नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पहले 10 सालों से आधारहीन बातें कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां दिग्विजय सिंह की बातों को अब ध्यान नहीं देती हैं और न ही जनता ध्यान दे रही है। दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयान देकर चर्चाओं में बने रहने के लिए बोलते हैं। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर बोले कि हाँ, चुनाव जरूर उनको लड़ना चाहिए। नेताओं की कमी आ गई है, कांग्रेस में जो बचे हुए थे वह भी बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस उड़ता हुआ जहाज है, पूरा देश नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए एकजुट हो गया। दिग्विजय सिंह जी के बयानों को यदि आप देखेंगे, पिछले 10 वर्षों से उनके जो बयान हैं आधारहीन होते हैं, और विरोध करने के लिए, विरोध लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो बयान देते हैं, लेकिन न तो कोई संवैधानिक संस्थाएं उनके बयानों को गंभीरता से लेती हैं और ना ही जनता जनार्दन ही उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेती है। जनता के दिल और दिमाग से दिग्विजय सिंह जी अब उतर चुके हैं, इसलिए उनके बयानों पर हम सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही हैं, जो सही है जो गलत है उस पर समय आने पर फैसले भी हो रहे हैं। लगातार ये कह रहे हो